हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिव आरती किचन। फ्रेंड्स, शाही पनीर तो सबकी फेवरेट होती है, बड़े हो या बच्चे, सबको शाही पनीर बहुत अच्छी लगती है। इस वीडियो में आप रेस्टोरेंट से भी अच्छी शाही पनीर घर पे बनाना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से धोकर काट लिया है। कितना लेना है मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। मैंने सबसे पहले गैस को चलाकर पैन को रख दिया है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालकर बॉयल करेंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तब हम सभी चीज़ों को डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप शाही पनीर बनाने के शौकीन हो जाएंगे। आप रेस्टोरेंट से भी टेस्टी शाही पनीर घर पर बनाकर खा सकते हैं। चीज़ों को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे। इसे हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक इसकी पानी पूरी सूख न जाए। तो हमें इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तब मैंने ढक्कन लगा के अब इसे ग्राइंड कर लिया है। शाही पनीर बनाने का बाकी का प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम गैस जला के फिर से पैन को बैठा दिया है। पहले मैंने यहाँ 3 चम्मच सरसों के तेल को डाला है। इसमें पीसी हुई प्योरी को डालेंगे। फ्रेंड्स, जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल दिया है। हम इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ सारे मसालों के साथ एक मसाला और भी ऐड कर, जो मैंने अभी स्मिथ एंड जोन का शाही पनीर मसाला डाला है, इसे शाही पनीर का स्वाद इतना टेस्टी बनता है। मैं यकीन मानिए, ये मसाला डालने से आपकी शाही पनीर इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बार बार इसे बना कर जरूर खाएं। मैंने यहाँ 1 चम्मच हल्दी, 3 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला को डाला है। हम इसे धीमी आँच पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ 1/2 गिलास पानी को भी डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग को डालिए। यहाँ 1 चम्मच नमक को डाला है, आप इसे कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, शाही पनीर वाला जो पनीर होता है उसे हम फ्राई नहीं करते हैं, उसे हम ऐसे ही डालते हैं। मैंने बारीक कटा हुआ धनिया को डाल दिया है। अगर धनिया ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसे फिर से 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। हमारा 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर इस तरह से बनाकर ट्राई करें। फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानिए, इससे अच्छा रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। मैंने फ्रेश क्रीम और धनिया से गार्निश किया है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत इजी तरीके से शाही पनीर बनाना इस वीडियो में सिखाया है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।